बीजेपी मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल के सीट हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए कवायद तेज हो गई है। वहीं समीरपुर में भी प्रेम कुमार धूमल के घर पर जीते हुए विधायकों का आकर मंत्रणा करने का क्रम बढ़ता जा रहा है और जीते हुए विधायक भी धूमल को ही मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर रहे हैं। समीरपुर में धूमल के घर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा मंडी जिला के नाचन विधानसभा के जीते हुए विधायक विनोद कुमार, चंबा जिला के चुरा विधानसभा से जीते हुए विधायक हंसराज, पांवटा साहिब से जीते हुए विधायक सुखराम चौधरी, सिरमौर के पच्छाद विधानसभा से विधायक सुरेश कश्यप ने मंत्रणा की है। साथ ही धूमल के करीबी रहे रविंदर रवि ठाकुर, गुलाब सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी को लेकर अपनी अपनी बात रखी है। नाचन के विधायक विनोद कुमार का कहना है कि समीरपुर में धूमल से मुलाकात की है और इनका यही कहना है कि धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और उनकी बदौलत ही न केवल नाचन विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वैसे तो आज हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से मिलने आए थे और इसके साथ साथ हम इस बात को लेकर के भी चर्चा करने आए थे कि जो हिमाचल प्रदेश में इस बार के विधानसभा के चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत जो हासिल हुई है, उस जीत का कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जो है उस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के रहे इस प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा है और विशेषकर जो नाचन में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बढ़त हासिल जो की है उसका भी पूरा का पूरा श्रेय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को और नाचन की समस्त जनता को जाता है। क्योंकि आदरणीय धूमल जी अपने इस क्योंकि जो 2012 से लेकर के 2017 तक का जो हमारा विपक्ष का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में एक बार नहीं अनेकों बार आदरणीय धूमल जी मेरे नाचन विधानसभा क्षेत्र में आए और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, उनके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का जो संचार किया गया, उस ऊर्जा के संचार के माध्यम से आज पूरे हिमाचल प्रदेश में नाचन विधानसभा क्षेत्र को जाना जाने लगा है। आज हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि सबसे बड़े मार्जिन से जो सीट जीती है नाचन कहाँ है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका पूरा श्रेय आदरणीय धूमल जी को और नाचन की जनता को जाता है। धन्यवाद। वहीं चंबा जिला के चुरा विधानसभा से जीते हुए विधायक हंसराज ने दो टूक शब्दों में कहा कि सभी विधायक धूमल की वजह से ही जीत हासिल कर सके हैं। उन्होंने कहा कि पूरा हिमाचल में आज 44 सीटों में जीतने का श्रेय धूमल को ही जाता है। उन्होंने सुजानपुर सीट हारने पर मलाल जताया और कहा कि हम सभी यही चाहते हैं कि हिमाचल को आगे बढ़ाना है तो धूमल को ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन करना होगा। ऐसा था, एक तो जो हम 44 का आंकड़ा लेके आए हैं वो धूमल साहब की वजह से लेके आए हैं। चुरा विधानसभा क्षेत्र सदैव ऋणी रहा है धूमल साहब का। टिकट मिली थी तो उनके टाइम में ही मिली थी और दोबारा हम जीते हैं तो मेरी तो कैंपेन भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। तो पूरा हिमाचल आज जो मतलब भारतीय जनता पार्टी को 44 में देख रहा है उसमें धूमल साहब का रहा है। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सीएम कैंडिडेट होते हुए भी हम लोग सीट लूज किए। अब उस पर मंथन कर रहे थे, पार्टी हाईकमान दिल्ली में तय करेगा चीज़ें, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अगर हिमाचल को आगे बढ़ना है तो एक एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी व्यक्ति का हिमाचल को संभालना जरूरी है। चूँकि हिमाचल जो है वो ऋण के गर्त में डूबा हुआ है, उसको उबारना भी है। इसके लिए हम यही चर्चा चली हुई थी, तय पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि जिस तरह से धूमल साहब को प्रोजेक्ट किया था एज ए सीएम, एज इट इज रहे और सही तरीके से हिमाचल में एक सरकार चले और 2019 का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए हम फिर चारों की चारों सीटें जीते। इसीलिए हम लोग एक तो मिलने भी आए थे और दूसरा उनको एक तरह से मतलब कि हमने सीट गवाई है तो
तो ये भी हमारी एक व्यक्तिगत तो जो है वो जिम्मेवारी बनती है कि हम साहब ने हमें 5 साल बहुत ऑपोजिशन में भी सिखाई है चीज़ें, तो ये सब देख करके हम लोग आए थे।